हमको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, पीपल आर रियली रियली लाइकिंग. डिफरेंस ही होता है कैरेक्टर्स में, अदरवाइज तो ऑफकोर्स हम है तो इंसानी वैसी ही रहेंगी चीजें. ओके, सो कनिका फर्स्ट वी वेलकम टू आर जॉब टू एंड बिग कांग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू सीजन, फॉर दिस न्यू सीजन. कितना एक्साइटमेंट है, सीजन 2 जल्दी आ गया है ऑडियंस के सामने. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी, एंड बहुत मजा आ रहा है. रिस्पॉन्स देख के बहुत मजा आ रहा है. हमें तो खैर पता ही था हम कब लोग अंदर सब टीम को कि हम लोग कब रिलीज करने वाले हैं, तो वो वाली एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स होती है. मजा इस चीज का आ रहा है कि रिलीज जब हमने किया इतनी सारी पेशेंस रखवाने के बाद सबको, तो हमको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है. पीपल आर रियली रियली लाइकिंग द स्टोरी, द कैरेक्टर्स, एंड दे रियली एंजॉयिंग इट. एंड अब और ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि अच्छा अब आगे के एपिसोड्स कब आएंगे, क्योंकि इस बार एक साथ नहीं आया है पूरा सीजन. हर फ्राइडे 3 एपिसोड्स आ रहे हैं, तो और ज्यादा एक्साइटमेंट आ रही है लोगों में कि अच्छा 3 देख लिया अब अगले कब आएंगे, अच्छा ये 3 देख लिया अब अगले कब आएंगे. तो वो सब देख के वो अप्रिसिएशन वो मिल रही है, तो अच्छा लग रहा है. सबसे बेस्ट चीज मुझे लगती है तब होती है जब लोग ना आपको आपके नाम से नहीं आपके कैरेक्टर के नाम से बुलाने लगे. तो अभी रिसेंटली मेरे कुछ कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ मैं जा रही हूँ, कल था परसों था, उन सब पे कुछ लोगों ने मुझे प्रिशा बुलाया. आई फेल्ट सो गुड, मुझे लगा ओके ये अच्छा हो रहा है कि लोगों के दिमाग में वो याद है कैरेक्टर उसका नाम. तो मुझे मेरा मुझे लगा कि हो गया, अपना काम पूरा हो गया. कनिका जैसे कि आपने कहा कि जब आपको कैरेक्टर नाम से बुलाते तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन एक स्टार्टिंग में तो सब गुड्डन गुड्डन बुला देते हैं, अब प्रिशा स्टार्ट हो गया. मुझे जब दिखा ना कि अब नए नाम से बुला रहे, मुझे लगा वाओ ये मैंने कुछ कमा लिया है कि ये कैरेक्टर लोगों तक पहुंच. हमने कई बार ये देखा है कनिका की जब जब भी आपका इस कैरेक्टर फेमस हो जाता है तो उसकी सेकेंड कैरेक्टर को ऑडियंस को एक्सेप्ट करने का टाइम लगता है, लेकिन ऑडियंस ने काफी ही दिल खोली प्रिशा को एक्सेप्ट किया. डेफिनेटली, एंड ये ना सच भी है, आप एक कैरेक्टर को बनाते हो तो उसके आप मेरे तो एक्चुअली मसल मेमोरी में बैठ जाता है जब मैं कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ. ऑनेस्टली जब मैंने गुड्डन किया था तो मेरे तो अंदर ऐसे बैठ गया था जैसे मैं गुड्डन ही हूँ, मैं कनिका हुई नहीं. तो वो चीज इतनी बैठ गई कि जब मैं आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन देती थी तो वही निकलता था जिस तरह गुड्डन बात करती, वो हल्का सा ही स्लाइट डिफरेंस ही होता है कैरेक्टर्स में, अदरवाइज तो ऑफकोर्स हम है तो इंसानी वैसी ही रहेंगी चीजें. तो वो जितना वो थोड़ा बहुत होता है वो उस हर कैरेक्टर में आ रहा था. तो सब बोल रहे थे नहीं नहीं इट्स लुकिंग लाइक गुड्डन, इट्स लुकिंग लाइक गुड्डन. तो वो चीज होती है. तो अगला कैरेक्टर को बनाना एंड देन इस तरह बनाना कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, उसको प्यार मिले, वो डेफिनेटली आई थिंक एक चैलेंज होता है. तो मेरा भी ऑफकोर्स गुड्डन और प्रिशा में बहुत ज्यादा ब्रेक तो नहीं, लेकिन कुछ 3-4 महीने का तो ब्रेक था. तो उसमें मैंने और बाकी चीजों के ऑडिशन भी दिए थे एंड जब लेकिन ये आया तो मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिमिलर सा भी है मुझसे गुड्डन से, एंड वो चीजें हैं इसमें. ऑफ कोर्स एक सटल है थोड़ा सा ये गुड्डन, क्योंकि टीवी की ऑडियंस के अकॉर्डिंग हम सब चीजें ध्यान रखते हैं ना. आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए जब चीजें बनाते हो आप सब चीज ध्यान रखते हो, तो कैरेक्टर्स भी उसी तरीके से फॉर्म होते हैं. तो गुड्डन थोड़ी सी ड्रामेटिक थी ऑफ कोर्स, लेकिन प्रिशा बहुत सटल है, सिंपल सी है, बहुत ज्यादा ऐसे ड्रामेटिक नहीं है. तो उन सब वो सब चीजें ऑफ कोर्स डिफरेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मैं इस कैरेक्टर से बहुत रिलेट कर पा रही थी. तो उस रिलेटेबिलिटी में मैंने कहा लेट्स डू दिस. तो उसमें जो मेहनत करी गुड्डन को बाहर निकालने में, प्रिशा को बनाने में, उसको थोड़ा सा अपना जैसा, थोड़ा सा किसी किसी जैसा, वो हम करते हैं कोशिश सबका कुछ 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 डालने की. तो बड़ा एनर्जी लगता है मुझे. आवाज क्यों कट रही है? प्रिशा की कोई एक हैबिट जो आपको काफी पसंद है? प्रिशा की एक हैबिट जो मुझे काफी पसंद है, मैंने अभी किसी को बताया. सो प्रशाज बिलीव इन लव, वो प्यार पे जिस तरह विश्वास रखती है, उसकी जो वो इंटेंसिटी है अपने इमोशंस की, और इमोशंस में वो अपने जैसे हम कई बार क्या होते हैं, आपने भी ये चीज कभी महसूस की होगी अगर कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई होंगी, मैंने भी की है. हम कई बार इस तरह की सिचुएशंस में पड़ जाते हैं कि हमारे इमोशंस हम पर हावी होने लगते हैं और हम अपना लॉजिक्स को पीछे छोड़ देते हैं. लेकिन प्रिशा के अंदर ये चीज है, उसके लिए इमोशंस बहुत जरूरी है. वो उनको ऑफकोर्स
बहुत इंटेंसिटी उसकी इमोशंस की, लेकिन वो काफी लॉजिकल तरीके से भी बात करती है, तो वो अपने पॉइंट्स भी क्लियर रखती है कि उसको ये नहीं होता कि सी मैं आपके लिए मेरा ये इमोशन मुझ पर हावी हो रहा है तो मैं आपकी बात हर एक्सेप्ट कर लूंगी, वो ऐसा नहीं करती, वो अपने पॉइंट्स रखती है बड़ी प्यार से और वहीं पर अपने इमोशंस भी रखती है, तो वो बड़ी प्यारी सी चीज लगती है जो मुझे लगता है एक इंसान में हो तो वो बहुत ही खूबसूरत चीज है कि इमोशंस भी हैं लेकिन वो लॉजिक्स भी अपने क्लियर रखता है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं लाइफ में मैं भी प्रैक्टिकली ये सब चीजें करने की कोशिश कर रही हूँ। Tanika, मैं एक चीज जानना चाहूंगी, आफ्टर एक्सप्लोरिंग लॉट ऑफ थिंग्स, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, व्हाट यू वांट टू डू पर्सनली एंड इन कैरेक्टर और एनी जॉनर? आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर, और जो मुझे लगता नहीं मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है क्योंकि आता ही नहीं है मुझे इस तरह की अप्रोचेस, लेकिन कभी ना कभी लाइफ में, आई डोंट नो अभी या कुछ समय बाद, लेकिन मैं कभी ना कभी जरूर ये करना चाहूंगी। मैं अपने आप को देखूंगी कि मैं नेगेटिव कैसे आप करती हूँ, वो वैम्प वाला ना, वो ऐसे वाला। ओके, आपने इतना एक्सप्लोर कर लिया है तो आपके लिए अभी कैरेक्टर प्लानिंग इम्पोर्टेंट है या स्क्रीन प्लानिंग में सिर्फ? देखो, हम आर्टिस्ट थोड़े से सेल्फिश तो होते हैं, ये तो मैंने जो भी आज तक प्रोजेक्ट्स चूज किए हैं ये मैंने अपने बारे में जाना कि मैंने इसी तरह, जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक पंजाबी फिल्म भी की थी तो उसमें भी उसकी सबसे एक्साइटिंग चीज मुझसे किसी ने पूछी तो मैंने यही बोला कि बिकॉज स्टोरी इज ऑल अराउंड दिस गर्ल, तो ये तो थोड़ी सी सेल्फिश मैं हूँ कि मुझे चाहिए होता है कि स्टोरी आसपास मेरे घूमती रहे, लेकिन ऑफकोर्स उसके साथ साथ कैरेक्टर बहुत जरूरी है, ये हम सेल्फिशनेस फिर भी एक पॉइंट के बाद पीछे छोड़ सकते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग एज इन, ये नहीं कि वो झांसी की रानी वाला स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उसकी एक अपनी छाप हो कहानी में, कि उसका होना मैटर करता हो कहानी में, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो बोले नहीं बोले उससे कुछ खास मैटर नहीं कर रहा है, उसका पॉइंट उसकी बातें शो में कुछ छाप छोड़ के जाए। मैंने प्रोमो में टाइम के बारे में बात कर रहा था तो उस पे आप क्या बोलना चाहोगे? एज डिफरेंस को लेकर आजकल कई सारे मुद्दे बनते हैं, कई सारे बड़े बड़े आर्गुमेंट्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, आपके लिए एज मैटर करता है फॉर लव? अच्छा हाँ, मैं एक्चुअली उनको मैं खड़ूस बुलाती हूँ, ओल्डी बुलाती हूँ उनको, सवीर को। हाँ, लेकिन प्रेशा के लिए मैटर नहीं करती है एज, तभी तो प्रेशा को सवीर से प्यार हो गया और उसको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि उससे बड़ा है या ऐसा कुछ भी, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं लगता, उसको लगता है कि प्यार हो गया तो मतलब इसमें एज वाली तो कोई वैलिडेशन नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट सवीर उसको बोलता है कि यू आर अ किड, तो वो उस चीज वो करती है कि हेलो आई एम नॉट अ किड, आई एम 19, मतलब 19 साल की हो गई हूँ मैं, मेरे अंदर इमोशंस नहीं आ सकते क्या? एंड इवन जो आसपास के लोग भी जो चाहते हैं कि प्रेशा और सवीर एक ना हो, वो समझाते तुम बच्ची, तो वो बड़ा अपने पॉइंट्स को क्लियर रखती है कि भाई तो क्या हो गया, इमोशंस है ना इसमें, एज कैसे आ सकती है, तो डेफिनेटली प्रेशा के लिए वो चीज बिल्कुल मैटर नहीं करती है। सो इन रियल लाइफ डू यू, आपके लिए एज मैटर करता है इन रियल लाइफ? हां, प्रेशा के लिए भी नहीं मैटर करती है, सिमिलरली मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं मैटर करती है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होगी तो मे बी आई डोंट नो मैं कैसे मुझे वो कैसे, लेकिन आई थिंक जितना डिफरेंस प्रेशा सवीर में है इस तरह की एज में, आई डोंट थिंक कि बहुत इशू हो सकता है। इट्स अबाउट इमोशंस, अगर आपको किसी के लिए, क्योंकि इट्स नॉट एज जिससे आपको प्यार हुआ है कि मुझे इस एज से प्यार हुआ है या मतलब ऐसा दिखना चाहिए, आपको उस पर्सनैलिटी से, उस इंसान से प्यार हुआ है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि एज का कोई इशू होना चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि एज इज एन इशू ऐसा इमोशंस में। Yes, yes. So, Tanika, what's next from your side? क्या नया करना चाहोगे या क्या हमें नया देखने को मिलेगा आपकी साइड से? मैंने ना उस बहुत कोशिश की थी पिछले वाले में भी कि मैं जो लेकर आऊँ कुछ ऐसा लेकर आऊँ जिससे जो एक्सेप्ट करा जाए, जो जिससे लोग मुझे प्यार दें, तो आई हैव नॉट साइंड एनीथिंग एज ऑफ नाउ, लेकिन मैं जो भी करूँगी बहुत सोच समझ के करूँगी एंड आई होप वो सोच समझ से ही रिजल्ट लेकर आए, क्योंकि कई बार आप इतना सोच लेते हो लेकिन फिर भी आपके लिए कई बार रिजल्ट उल्टे पड़ जाते हैं, दैट्स द प्रैक्टिकल थिंग, हम अपने ड्रीम्स में कुछ भी सोचते हैं, तो
लेट्स सी क्या लेकर आऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्यारा सा लेकर आऊंगी. बाकी तब तक क्विज देर बहुत प्यार मिलेगा, तो हम रूहानी 3 जरूर ले आएंगे, तो उसकी कोशिश और आप भी अपने ऑडियंस तक सब तक पहुंचाइए कि वो खूब सारा प्यार दें हमारे चैप्टर 2 को, ताकि हम 3 भी लेकर आए. थैंक यू कनिका फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट. थैंक यू सर.